महसूस तो बहुत बढ़िया कर रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग भी लग रहा है, और आपने कह दिया कि ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन तक हम पहुँचना चाह रहे हैं उन तक हम पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग फिल्म देखेंगे तो इसका कोई वो 100 गुना बेटर है। गेटिंग गूज़बम्प्स, एक हफ्ता बाकी रह गया है, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, सब चीज़ें हैं, बट जैसा आपने बोला अभी कि ट्रेलर इज़ बिन वेल एक्सेप्टेड, एंड मेरा एक चीज़ में भरोसा है हर चीज़ को लेकर, जब तक मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंकफुली अकबर आंटी, इनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ में रही है, और बाकी बाबा जी की कृपा। सो इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? प्रोडक्शन हाउस लगा ही नहीं एक्चुअली शुरू से, इट्स लाइक मोर लाइक अ फैमिली, हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ डिस्कस की है, हम लोगों ने हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट किया है पूरा, मतलब आप नीचे चाय पिलाते हैं वो भी बेचारा रात को 2 बजे तक बैठा होता कि नहीं सर बैठे हो इनको चाय देनी है, आंटी की तरफ से इतना सपोर्ट मिला, मतलब मुझे लगा नहीं कि मेरी डेब्यू फिल्म है, कि ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी डेब्यू फिल्म है मेरे को वैसा ट्रीटमेंट हो रहा है या एक नर्वस हूँ, मेरे को हमेशा इन लोगों ने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया कि गो एंड डू इट, दे ऑलवेज केप्ट मी ऑन द हैंड, यू नो कि ना यू गो एंड टेक द डिसीजन एंड ऑल, आई एम लाइक आई एम लकी टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस। फिलहाल प्रियंका का यही मंशा थी कि वो रीजनल फिल्म्स को इम्पोर्टेंस दे, हमारी सबसे पहली फिल्म थी भोजपुरी की जो अपने रीजन में ही बहुत बढ़िया डिड वेरी वेल, मराठी तो खैर वेंटिलेटर एवरीबडी नोज की बहुत ही उम्दा फिल्म भी थी और किया भी उसने बढ़िया फिल्म, अब पंजाबी भी उसी स्तर का ही है, उसी स्टैंडर्ड का है, और मैं समझती हूँ कि आप लोग उतना ही अप्रिशिएट करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, पर फिलहाल हम लोग रीजनल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनका इंटीग्रेशन हम अपने कंट्री में सब देखें, हर रीजन की खूबसूरती रीजनल लैंग्वेज में ही, और वहीं के आर्टिस्ट को हम पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं। प्रियंका के रहते हमें ये प्लेटफॉर्म तो ज़रूर मिल रहा है कि इंटरनेशनली भी पहुँच हो गई हमारी, तो दिस इज़ वॉट यू ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट बिग द मोस्ट। सर मैम की तरफ से एज अ प्रोड्यूसर ऐसा कुछ इंटरफ्रेंस था क्या, इतना ही बजट रहना चाहिए या टाइम पे हो जाना था ऐसा कुछ? आंटी बोल रहे अभी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला है, मैंने अभी भी पहले भी बोला इतना सपोर्ट मिला कि मुझे लगा ही नहीं कि हम प्रोडक्शन हाउस और एक डायरेक्टर आपस में डील कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, इट ऑलवेज लाइक अ फैमिली, सो आई गेस शी हैज गिवन मी फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर, यू नो व्हाटएवर आई वांट द वे आई वांट, नो इंटरफेरेंस, आई डोंट थिंक सो एनी इंटरफेरेंस हैपेंड। इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं था हमारा, क्योंकि मुझे पता था जो हमारी चॉइस पे मुझे पूरा भरोसा था, इन पे भरोसा था, हमारी टीम पे भरोसा था, हमारे एक्टर्स पे भरोसा था कि ये लोग पूरे प्रोजेक्ट को अपना समझ के बना रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, इन्जॉय भी कर रहे थे, खाना पीना मस्ती सब कुछ हो रहा था, लेकिन साथ साथ काम में भी उतना ही दिल लगाना कि अपना है ये, अपनापन जो इन लोगों ने ला के दिखा दिया मुझे, तो एज ए प्रोड्यूसर आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और मुझे ज़्यादा कुछ दखल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सेट पर जाती थी तो खाली इन्जॉय करती थी। जी हाँ, एक है ना, एक हम लोग वो शूटिंग इन पंजाब, उस वक्त कुछ 47 डिग्रीज टेम्परेचर था पंजाब में, आंटी वहाँ पे बैठी हुई थी कैप पहन कर, और इनको कितना बोला भाई चले जाओ वैनिटी वैन में चले जाओ, सड़क पे धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर, बट आंटी नहीं मानी, मैं लाइक मैं प्रोड्यूसर हूँ मैं भी बैठूंगी तो मैं भी बैठूंगी साथ, दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट यू नो। ओके, अमरिंदर पाजी ही इज़ नॉट जस्ट अ सुपर स्टार, इज़ अ मेगा स्टार आई गेस, यू नो आप उनके साथ कभी मिलेंगे बैठ के बातचीत करेंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सर एक इंडिया के अंदर एक रजनीकांत हैं जिनको हम रजनी अन्ना बुलाते हैं, आप पंजाब के रजनी अन्ना एक्चुअली, एवरी वन जस्ट लव हिम, एक सेकेंड का मुझे नहीं लगता कहीं से कोई प्रॉब्लम आई होगी। फर्स्ट मूवी ऐसा लग नहीं रहा उसका क्या दे रही, मतलब इनपुट, मतलब फर्स्ट में नहीं लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रंजीव बाबा आई थिंक इज अ बोन एक्टर, आप हम जब पहले दिन सेट पे आए उसी दिन की बात है जिस दिन सड़क पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो हमने आते साथ ही सबसे पहले काम किया कि उनसे नारे लगवाए बहुत सारे, तो वो खुल गए पहले दिन ही, ऐसा कुछ बचा नहीं उसके बाद, नहीं बट जेनी जोक्स अपार्ट इज अ वंडरफुल एक्टर, आपको पता नहीं लगेगा कि वो पहली बार फिल्म करे, कुछ लोग होते हैं ना वो लोग तैयार होते हैं एकदम से, यू नो
Ranjit Baba is one of them. He's the most talented, I think, in Punjab after Amrinder Gill, Diljit and Amrin. Ranjit is like, he's going to be the next superstar. I can write you. I can give him writing that. क्योंकि इसमें अपनी मिट्टी की खुशबू थी पहली बार. कुछ भी जो टिपिकल पंजाबी से हम लोग सोचते हैं अर्बन जगह में रह के बॉम्बे दिल्ली के पंजाबी वो हैं, ये कहानी में वो बात नहीं थी. ये कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी, अपने जड़ों से जुड़ी. ये कहते हैं पिंडू कहानी, लेकिन पिंडू नहीं है, ये एक्चुअल पंजाब है, द रियल पंजाब. तो रियल पंजाब की रियल कहानी ऑथेंटिक है एकदम, जैसे कौन सा तंदूरी चिकन ऑथेंटिक वैसे चिकन टिक्का मसाला, माँ की दाल, इट इज ऑथेंटिक स्टोरी ऑफ पंजाब. प्रियंका चोपड़ा का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अब तक, कितना इन्फो रहा, कितना इंटरेस्ट दिखा रही है वो इन प्रोजेक्ट में? आई थिंक इसका जवाब अगर आंटी देंगी तो ज़्यादा बेटर होगा. 100% 100 से भी ज़्यादा, 10% ऊपर. आज सुबह भी उनसे बात हुई कि क्या प्लान बना रहे, क्या कर रहे हो. दौरान प्रोडक्शन रोज़ रात हमारी बात होती थी, उनसे ब्रीफिंग होता था आज क्या हुआ, उनको मैं बताऊँगी कल क्या होना है, उनका मशवरा लेती थी, उनका इनपुट. जब फिल्म बन गया तो करण ने उनको फर्स्ट स्क्रीनिंग दिखाया, उसमें भी जो उनका इनपुट था कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट करेक्शन, कि इसको करने से, इसको बढ़ाने से इम्प्रूव हो जाए. सब जो भी उनका इनपुट था वो ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म बना रहे हों. उनका एटीट्यूड ऐसा है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा ही है, बड़ा समझ के ही करें. तो जो उनका इनपुट था वो हम लोगों ने खुशी खुशी भी लिया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी नहीं प्रॉब्लम हुई, एक्सेप्टेड, एंड वी हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड द फिल्म आफ्टर दैट. प्रियंका के लिए आई गेस मेरी जितनी भी मीटिंग हुई उनके लिए प्रोडक्ट फिल्म सबसे बड़ी है. उनको हम सारे अपनी तरफ से लगे हुए हैं सब चीज़ें, वो खुद भी इतना बड़ा मेगा सुपर मेगा स्टार ग्लोबल आइकॉन है वो. उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्रिएटिव थिंग्स, सब चीज़ें आई, हमें पता ही नहीं लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है कि ये हमारे साथ में द ग्लोबल आइकॉन बैठे हैं. पहले तो डरते डरते गए कि यार पता नहीं कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, लेकिन बैठे तो 5 मिनट के अंदर इट फील्स लाइक कि यार ये तो मतलब ये सिर्फ फिल्म की बात करती हैं, इनके पास सिर्फ क्रिएटिव है. क्रिएटिव से शी ओनली टॉक्स फिल्म 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 एंड फिल्म, दैट्स इट. मैम दर्शक, प्रियंका मैम को कोई कैमियो रोल में देख पाए क्योंकि वेंटिलेटर में भी थोड़ी बहुत थी, तो इस ये मूवी में भी देख पाएंगे? इसमें पॉसिबल नहीं हुआ, हमारे शूटिंग ऐसे टाइम पे हुआ जब प्रियंका फारिक नहीं थी, फ्री नहीं थी, पर उसने हमारा ट्रेलर लॉन्च को किक ऑफ किया टोरंटो में, अमरिंदर जी और प्रियंका मिलकर, और वो हमारी मेकिंग में थोड़ी सी नज़र आएंगी हमारी फिल्म में ज़रूर. पर जो किक ऑफ किया उसने वो बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया था वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जैसे हमारी रिसेप्शन हुई कैनेडा में, हमारी यानी कि प्रियंका और अमरिंदर जी का, तो दोनों दो दिग्गज वहाँ खड़े थे, तो इट वॉज़ रियली हैवी वेट. और अभी भी मैं कह रही इस फिल्म में हमारे 5 हैवी वेट्स हैं, तो फिल्म का प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत लार्ज होगा. जब आप थिएटर में देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये फिल्म में कितना कुछ गया है नमक.